सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन वेप्सलो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। सो अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्ट है और आप चाहते हो आप सेम प्रोडक्ट को दूसरे डोमेन के लिए यूज करना चाहते हो, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे आप प्रोडक्ट्स को विद इमेजेस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो। सो इस सिनेरियो में मेरे पास ये एक सब डोमेन है जिसके अंदर मेरे पास कुछ सिंगल प्रोडक्ट है वूकॉमर्स के और कुछ वेरिएशन प्रोडक्ट है। और चाहे आपके प्रोडक्ट कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो या डाउनलोड प्रोडक्ट हो, हम इसी मेथड के साथ सीखेंगे कैसे इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है विद इमेजेस के साथ। तो चलिए, इसको करना काफी आसान है, तो इस वाली ट्रिक को सीखते हैं आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हमें उस वाले बैकएंड के अंदर जाना होगा वर्डप्रेस के अंदर, जिसके अंदर आपके वो प्रोडक्ट मौजूद है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। तो हम इस वाले प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हो, चाहे वो 100 प्रोडक्ट है चाहे वो 1000 प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो जो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखोगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, जिसके अंदर आपके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यस एक्सपोर्ट ऑल कस्टम मेटा पे क्लिक करना है और उसके बाद इसकी एक सीएसवी जनरेट होगी, उसके पर क्लिक कर देना है। तो हम इसके सीएसवी यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। ध्यान रखिए मेरी सीएसवी है जो वो जल्दी जनरेट हुई है, क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत मात्रा में प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन आपके सिनेरियो में अगर ये 500 से ज्यादा होंगे या 700 या 1000 होंगे प्रोडक्ट, तो उसको थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो सर्वर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ से सीएसवी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है, यानी कि जितना हमारा डेटा था कैटेगरी के साथ और टैग्स के साथ और विद इमेजेस के साथ, वो सीएसवी के अंदर आ चुका है। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप का मेरा क्या है, हम इस वाली वेबसाइट का यूज करेंगे इसको इंपोर्ट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ से एक टेस्ट नाम का एक वेबसाइट बना हुआ है सब डोमेन के ऊपर। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी एक वूकॉमर्स डाल रखा है और इसके अंदर आप फिलहाल देखोगे शो पेज के अंदर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने इसलिए इसको एम्प्टी रखा है ताकि जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे सामने वो सारे प्रोडक्ट आने चाहिए और आपको अच्छे से पता लगना चाहिए। तो उसको इंपोर्ट कैसे करना है, सेम ही ऑप्शन है, आपको उसी वाले ऑप्शन का यूज करना है। दोबारा वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट प्रोडक्ट का और स्टार्ट इंपोर्ट का। मैं इंपोर्ट वाला करना चाहता हूँ तो मैं सेकंड वाले का यूज करूंगा। यहाँ पे हमें वो वाली सीएसवी का यूज करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, चूज फाइल के ऑप्शन के अंदर जाऊंगा। ये वाली मेरी सीएसवी है, इसको हम यहाँ से यूज करेंगे, इसको यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। और ध्यान से पढ़िए, सेकेंड ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट है और वो आपको लगता है कि उसके नेम यहाँ से सेम हो सकते हैं या कुछ आईडी सेम हो सकता है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे टिक मार करना है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन दिखाई देंगे, ये देखिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट होता है, आपको बहुत डीपली अगर जाएंगे इस वाले ऑप्शन को मैच करना होता है, लेकिन आपको इस वाले में कुछ नहीं करना, आपको सीधा नीचे आना और रन द इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ये देखिए इन्होंने ऊपर स्टेप्स भी दे रखे हैं कि कुछ ही स्टेप्स होते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते हैं। और ध्यान रखिए अगर आपके पास यहाँ से 1000 या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है उसको ये टाइम लेगा, अदरवाइज ये मेरा कुछ ही मिनट्स में कर देगा। चलिए मैं भी वेट कर लेता हूँ इसको इम्पोर्ट होने में, जब ये यहाँ तक प्रोग्रेस बार लेके आएगा तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों फाइनली मेरे प्रोडक्ट 2 से 3 मिनट में ये इन्होंने इंपोर्ट कर दिए। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोडक्ट कम है तो जल्दी होंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना थोड़ा सा समय लग सकता है। तो फिलहाल हमारे पास दे देखिए 30 प्रोडक्ट का इन्होंने इंपोर्ट किया है, तो उसको हम यहाँ से व्यू प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। तो हम सीधा चलेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, तो ये देखिए हम देखेंगे मेरे पास यहाँ से 30 प्रोडक्ट थे, तो मेरे पास वो यहाँ से सारी लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट वाली वेबसाइट के अंदर आया हूँ जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट थे सारे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से 30 प्रोडक्ट थे, ये देखिए, तो मैंने यहाँ से जितने प्रोडक्ट किए थे उतने ही मेरे पास आए हैं। तो इसमें हमारा एक भी प्रोडक्ट मिस नहीं हुआ है। कई बार कुछ प्रोडक्ट मिसिंग हो सकते हैं आपकी आईडी या एसकेयू के कारण, जब आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट होंगे। लेकिन इस सिनेरियो में मेरे पास ये एम्प्टी वेबसाइट था, तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट किया और मेरे सारे ही प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो गए सक्सेसफुली। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ से मैं शॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये देखिए सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज अभी और करनी है, इन दोनों के प्रोसेस करने के बाद हमें एक स्टेप और करना है, बताता हूँ वो क्या करना है। आपको यहाँ से वूकॉमर्स के अंदर जाना है, यहाँ से स्टेटस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। तो इस वाले टैब के हम क्लिक करेंगे स्टेटस के अंदर, थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टेटस वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टूल्स के अंदर जाना है। टूल्स वाले पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से एक ऑप्शन को फाइंड करना है जिसका नाम होगा रीजनरेट शॉप थंबनेल, तो वो ये रहा।
तो इसका हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जब भी आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हो उसके बाद आपको रीजनरेट करने पड़ते हैं थंबनेल वर्डप्रेस के अंदर, खास तौर पे वुकमर्स के लिए। उसका रीजन ये है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो वो थीम दूसरा हो सकता है, अब जब इसको इम्पोर्ट करते हो वो थीम दूसरा हो सकता है, तो दोनों का सेटिंग अलग होता है, इसलिए इसकी थीम का इमेजेस का साइज वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, इसके लिए हम इसको रीजनरेट करते हैं। तो हम भी यहीं से करेंगे क्योंकि हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया है, उसके बाद इसको हम रीजनरेट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ से अपने आप वो रन कर रहा है रीजनरेट थंबनेल करने वाला जो प्रोसेस है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ये थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी लेगा, अदरवाइज ये जल्दी कर देगा। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आप शॉप पेज पे अगर रिफ्रेश करोगे तो हमारे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ से आ चुके हैं जो हमारी पहली वाली वेबसाइट के ऊपर थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई क्वेश्चन नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।